बताइए मैडम। मेरा नाम रुचि कोहली है और यहाँ पर हम पापा एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, मैं उनकी मेंबर हूँ और यहाँ पे हम फीस के गलत फीस लेने के खिलाफ खड़े हैं, स्कूल के खिलाफ कि वो लोग अंधाधुंध पैसों की मांग करते रहते हैं पेरेंट्स से। आप जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पे वो कई तरह के मैसेज करते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं देते हो तो आपका बच्चों का नाम ऑनलाइन भी नाम काट देते हैं, तो बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। फ़ोन पे पढ़ाने से बच्चों की आंखें भी ख़राब हो रही हैं, उनकी उनकी भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आज भीख मांगने आए हैं और भीख में जो रकम हमें जमा होगी हम DM साहब को देंगे, अर्पित करेंगे, ताकि उन्हें ये बता सकें कि हमारे पास नहीं है पैसे। हमने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल फ़ीस मत लीजिए, हम बस ट्यूशन फ़ीस मांगने के लिए, आप ट्यूशन फ़ीस मांगे, अदर चार्जेस ना लें। लेकिन स्कूल वालों ने बहुत समझदारी दिखाते हुए नई फीस बुक प्रिंट करा के हमें दे दी हाथ में, उसमें उन्होंने जहाँ अदर जगह जगह चार्ज लगाए जाते तो उन्होंने कम्बाइन चार्ज 10,000 कर दिया 3 महीने का। तो बताइए कंपोजिट 5 फीस कर दी है जिसमें कि सबको इंक्लूड कर दिया, यानी कि वो पेरेंट्स को बेवकूफ़ समझते हैं जो अब तक हम लोग बेवकूफ़ करते आए हैं। इतने साल हम बच्चों को पढ़ा रहे, हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज हम लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि प्लीज़ हमारी सुनिए। हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप हमें पैसे मत दीजिए, आप हमें फ्री पढ़ाइए, हमने कहा जितना ज़रूरी है उतना ही दीजिए। कहाँ कहाँ चल रहा है कार्यक्रम आपका जी? सर सैंडोन चौराहे पर भी है, हरि भगवान टॉकीज भी है, हरिपर्वा चौराहे पर भी है और हम लोग यहाँ हैं, मदद मांग रहे हैं लोगों की और ऐसे में लोग मदद करने की कोशिश कर भी रहे हैं। यही है कि जगा रहे हैं लोगों को कि जागिए प्लीज़, सपोर्ट ना मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, समर्थन लोगों का मिल रहा है तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मेरा नाम प्रवीण सक्सेना है, मैं एक अभिभावक हूँ। देखिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, पापा की तरफ से हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं पापा संस्था की तरफ से, और हमारी छोटी छोटी सी बहुत 3 मांगे हैं। पहली मांग यही है कि जब तक पूरे आगरा में COVID-19 के केस शून्य नहीं हो जाते हैं तब तक हम स्कूल खुलने के पक्ष में नहीं है, ना ही स्कूल खोले जाएँ और ना ही हमारे बच्चे स्कूल जाएँ। दूसरी हमारी मांग ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में 3 महीने स्कूल पूरी तरीके से बंद रहे, इवन दो मार्च में भी बंद रहे हैं, हम चाहते हैं उस समय की हमारी फ़ीस में माफ़ी दी जाए। और साथ ही जो है तीसरी मांग हमारी यही है कि जो ऑनलाइन स्कूल आप दे रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, आपको अपने टीचर्स को स्टाफ को फीस देनी है, हम उसके लिए सहमत हैं और हम आधी फीस देने के लिए तैयार हैं। हमारी ये छोटी छोटी 3 मांगे हैं। ट्यूशन फीस किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, क्या किस माध्यम से आप जो है सरकार की मांग कर रहे हैं? देखिए विरोध यही है, जो कार्य आज स्कूल प्रबंधन को करना चाहिए था हमारे संबंधों को देखते हुए, हम आज से नहीं अपने बच्चों को 10वीं साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 10वीं साल से फीस जमा कर रहे हैं, समय से फीस जमा कर रहे हैं, हमने आज तक कभी ये नहीं कहा आप हमारी फीस माफ़ कर दीजिए या आप हमारी फीस में कुछ भी हमें राहत दे दीजिए। लेकिन आज जब COVID-19 का इफेक्ट है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, काम धंधे सब कुछ बंद हैं, मध्यम वर्गीय के लिए ना तो सरकार की तरफ से कोई राहत है और ना इन स्कूलों की तरफ से कोई राहत है। आज आपने क्या किया यहाँ पर? आज हम यहाँ पे जो कैंपेन चलाया है, भाई जब स्कूल नहीं मान रहे हैं तो हमारा ठीक है भाई, अब हम भीख मांगेंगे और बच्चों की फीस जमा करेंगे। आशीष सक्सेना, क्या कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, क्या मांग सर? स्कूलों के लिए फीस मांग रहे हैं सर। सर स्कूल वाले फोन कर रहे हैं फीस के लिए, लॉकडाउन के 3 महीने की सर फीस मांग रहे हैं पूरी, जो लॉकडाउन में हमारा सब व्यापार सब चौपट हो गया सर, व्यापार नहीं है हमारे पास सर। हमने उनसे जो गुजारिश करी है कुछ राहत दें हमें, पर सर वो लोग बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, प्रशासन भी इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। फीस इकट्ठी करके किसको दोगे जो आप भीख मांग रहे हैं? जो फीस इकट्ठी करके सर DM सर को देंगे हम। और क्या मांग करना चाहते हैं आप? सर DM सर से कहेंगे बताइए सर अब कहाँ से लाएं हम, इतना इकट्ठा हुआ है और समय दीजिए और लाएंगे हम।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।